के निबोला पुलिस पर महिला से बर्बरता का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से शिकायत की है। सांसद ने इंदौर आईजी को घटना की जानकारी देकर जांच के बाद कार्रवाई के लिए कहा है। दरअसल निबोला पुलिस की बर्बरता का एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने चोरी के शक में एक महिला के साथ बर्बरता की है। खंडवा के बुरगांव की एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि निबोला पुलिस ने चोरी के शक में पूछताछ के नाम पर उसके साथ बुरी तरह से पिटाई की, जिससे उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए हैं। मेरे पास में भी बुरगांव की महिलाएं आई है और मेरे पास में बुरगांव से ही सुबह उसके फोटोज भेजे, तो फोटो देखने के बाद मतलब दिल दहल उठा। इतना कृत्य जिसने भी किया, जिस पुलिस वाली ने भी किया होगा, तो निंदनीय है। ऐसा यदि मान लो इन महिला ने चोरी की होगी या चोरी का इल्जाम इन पे होगा, तो उसको सजा देने का काम कोर्ट का है, ना कि पुलिस इस तरह से बेरहमी से मार सकती है। तो मैंने अभी आईजी साहब के भी संज्ञान में इस बात को लाया है और यदि इसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सीएम से भी बात करूंगा और जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व उनको सबको सस्पेंड करवा के रहूंगा। मेरे को चोरी के इल्जाम में, और चोरी मैंने नहीं करी साहब, मेरे पूरा घर की तलाशी भी ले लो, सब बात कर लो, मेरे हाथों पगों की भी पूरी जांच करा लो। मैंने चोरी वोरी कुछ भी नहीं करी, पर जबरदस्ती के मेरे पे इल्जाम लगा के मेरे को मारा इतना, तो मेरे को उगना सूद नहीं इतनी मारी। फिर मेरे को यहाँ मेडिकल कराने लाए, यहाँ मेडिकल रात में कराने को लाए। मेरे साथ में दो महिला थी, वो महिलाओं को क्या बोला, तू उनको बताना मत, ऐसा बोला। तो काका तू वहाँ पे मत बताना, मैंने वहाँ पे भी नहीं बताया सर। तेरे आदमी को उठा लाएंगे, तेरे बच्चों को उठा लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मेरे को इतनी धमकी दी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया।